बेगूसराय में जमीनी विवाद के दौरान एक होमगार्ड जवान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल मामला बेगूसराय जिले के मोहनपुर गांव का है, जहां जमीनी विवाद के कारण दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना हुई आज सवेरे से लड़ा झगड़ा हो रहा था गरम गजी। उसके बाद हम आए वहाँ से, उसको मना किए जो आएगा राम लुटन समझाएंगे। उसके बाद तो मारपीट करी घर में, कबाड़ी तोड़े रहे, मारपीट करे चाहे रहे। ओकर बाद हम हजूर चले गए, बाद में वो ले तब ओकरा मारपीट कर लगे। यहाँ पे एक रक्षक राम लुटन पड़ोसी थे, मारपीट के दौरान उनकी हत्या की गई है। इसमें चार व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, बाकी जो भी मुजफ्फरपुर जिले के पेयर थाना क्षेत्र में देर रात एक शादी समारोह में हुए हर्ष फायरिंग के दौरान दो युवक को गोली लग गई। आनन फानन में घायल दोनों युवकों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घायल युवकों की पहचान हत्था ओपी क्षेत्र के महेशपुर निवासी चंदन कुमार और ऋतिक के रूप में हुई है। वहीं डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने कहा, अभी आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। हत्था थाना अंतर्गत हत्था ओपी के अंतर्गत हर्ष फायरिंग का एक मामला संज्ञान में आया है। वीडियो फुटेज की हम लोग जांच कर रहे हैं और जो लोग दोषी हैं उनकी पहचान हुई है। गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, हम लोग हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जांच उपरांत जो तथ्य सामने आए हैं उनसे हर्ष फायरिंग का ही मामला संज्ञान में आने की पुष्टि हुई है। और जो भी इस हर्ष फायरिंग के क्रम में जो लोग आरोपित हैं या जिन्होंने भी ये कार्य किया है उनकी पहचान करते हुए हम लोग उनके गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं और जल्द ही उनके। नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के बस्ती गांव में मुख्यमंत्री नल जल योजना वाली पानी की टंकी ध्वस्त हो गई है, जिसके कारण एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। गांव के लोगों का कहना है कि घटिया निर्माण के कारण टंकी ध्वस्त हो गई। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मामला यही है कि दिन के 8:30 बजे मुख्यमंत्री के दम बगल में, मुख्यमंत्री का गृह माने घर के बगल में नल जल का योजना का काम हुआ था, वह 8:30 बजे ध्वस्त हो गया, गिर गया। घटिया काम हुआ था बस्ती पंचायत के 3 नंबर वार्ड में। संवेदक द्वारा पीएचडी द्वारा ठेकेदार द्वारा काम कराया गया था और घटिया किस्म का काम हुआ, इस तरह इसी वजह से टंकी टूट के गिर। शेखपुरा जिले में सदर थाना क्षेत्र के अस्पताल के पास अनियंत्रित बाइक सवार परीक्षार्थी ने साइकिल सवार छात्र को टक्कर मार दी। घायल छात्र की पहचान बेलक्षी गांव निवासी शिवशंकर प्रसाद का पुत्र सत्यम कुमार के रूप में हुई है। बाइक सवार तीनों युवक मैट्रिक का परीक्षा देने शेखपुरा आया हुआ था, तभी यह घटना हुई। बाइक सवार तीनों युवक बरूनी गांव का है। फिलहाल तीनों घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। तीनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सुपौल जिले के गद्दी चौक के नजदीक अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी के स्टाफ को गोली मारकर 9 लाख रुपए लूट लिए हैं। वहीं गोली लगने से फाइनेंस कर्मी अजय कुमार की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अभी तक कोई ऑथेंटिक सूचना हम लोग के पास कंपनी के किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं मिली है और जैसी सूचना आएगी हम लोग रसीद मिला है और हम लोग इस बात का सत्यापन कर रहे हैं कि उसमें से कुछ पैसे जो है जमा हुए हैं या सभी पैसे जो है उनके पास थे या तो विस्तृत लिखित सूचना प्राप्त होने पर ही हम लोग। सरायकला के मुड़िया में 18 वर्ष की युवती ने आत्महत्या कर ली। वहीं मृत युवती के चाचा ने इसके पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। और दोपहर को खाना वाना सब खाया? हाँ। खाना वाना खा करके बस अंदर गया सुबह में सोने के लिए। हाँ। अच्छा, किताब पढ़ रहा था। हाँ। देखा कि किताब पढ़ रहा है, फिर उसके बाद वो उसका जो जेठा था वो फिर नहाने के लिए गया। हाँ। अच्छा, इसका पिताजी से पहले आया हुआ था। हाँ। जो नहाने के लिए गया, उसके बाद उसका पिताजी जब नहा वहाँ करके आ रहा है, उसके बाद देख खोज रहा है इसको, है नहीं, कहाँ गया, तो वो फिर घर के अंदर। सरायकला जिले के इंडस्ट्रियल इलाके
एरिया स्थित पानी की टंकी की सफाई के लिए 35 मजदूरों को काम पर लगाया गया। आपको बता दें कि यहां हाल ही में एक युवक का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पानी की सप्लाई बाधित है। वन विभाग का कहना है कि जल्द ही पानी की सप्लाई शुरू की जाएगी। सरायकला जिले के सपादा गांव में ईचागढ़ विधानसभा की विधायक सविता महतो ने ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना में आम लोगों को पानी की किल्लत नहीं होगी। वहीं इस मौके पर कई अन्य नेता और वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। विभाग से जो 13 करोड़ के लागत से बन रही है, 3 पंचायत को गांव में पानी इसका फायदा सप्लाई होंगे, उसमें पानी का फायदा लेंगे। ये तीन पंचायत के गांव में जो जाएंगे और आने वाले जो हमारे विधानसभा में चारों प्रखंड है उसमें भी ऐसे ही प्रयास रहेगा पानी जल मीनार बनाने का और पानी जनता घर घर के। भभुआ के एकता चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर संगठन के जिला संयोजक अभय शुभम ने कहा कि सरकार मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए जबरदस्ती वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के 25 एकड़ जमीन को अधिग्रहित कर रही है। भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह की भोजपुरी फिल्म डॉली का फर्स्ट लुक आज जारी हो गया है। बताया जा रहा है कि यह एक महिला प्रधान फिल्म है। वहीं इस फिल्म में अक्षरा सिंह के साथ भोजपुरी के गायक और अभिनेता रितेश पांडे, विपिन सिंह, नीलिमा सिंह नजर आएंगे। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहने से न्यूज के साथ, नमस्कार।